नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे शरीफा से होने वाले फायदों के बारे में। आचार्य बालकृष्ण जी के अनुसार शरीफा टेस्टी और हेल्दी फल होने के साथ साथ आयुर्वेद की दृष्टि से कई रोगों में कारगर है। शरीफा को सीताफल और कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर को एनर्जी देता है और कई प्रकार की बीमारियों से बचाव करता है। शरीफा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। शरीफे की छाल, पत्ते और फल कई प्रकार की बीमारियों से बचाव करने में निरापद होते हैं। तो आइए जानते हैं शरीफा से होने वाले फायदों के बारे में। जिन व्यक्तियों को थोड़ा सा काम करने पर ही जल्द थकावट महसूस होने लगती है, शरीर में खून की कमी है या चिड़चिड़ापन रहता है, तो नियमित रूप से सुबह के समय दो शरीफे का सेवन करें, लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों को दांतों की समस्या है, मसूड़ों में दर्द है और कुछ भी गर्म या ठंडा खाने से झंझनाहट महसूस होती है, तो शरीफे के पेड़ की छाल को सुखाकर कूटकर पाउडर बना लें और इसमें लौंग का पाउडर मिलाकर सुबह शाम इस पाउडर से मंजन करें और हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला करें तो लाभ मिलेगा। कब्ज की समस्या है, खाना पचता नहीं है, पेट में भारीपन रहता है और पेट साफ नहीं होता है, तो शरीफे को काटकर इसके बीज निकाल दें और गूदे को धूप में सुखाकर पीसकर इसका पाउडर बना लें और सादे पानी के साथ सेवन करें तो आराम मिलेगा। जिन व्यक्तियों को दिल की समस्या है या ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है, तो रोज सुबह नाश्ते में शरीफे का सेवन करें तो लाभ मिलेगा। पेट की समस्या के लिए ये एक निरापद औषधि मानी जाती है। जो पेचिश या अल्सर से ग्रस्त हैं, वो शरीफे के ऊपरी भाग को निकालकर सुखा लें और पीसकर पाउडर बना लें, साथ ही सादे पानी से सेवन करें, फायदा मिलेगा। स्वामी जी बताते हैं कि सुबह नियमित रूप से कपाल भाती करने से और एक शरीफा प्रतिदिन खाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, साथ ही पित्त और एसिडिटी की समस्या में भी आराम मिलता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है और वजन नहीं बढ़ रहा, उनके लिए शरीफा बेहद फायदेमंद माना गया है। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि शरीफे के गूदे में शहद मिलाकर सेवन करें तो लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।